नमस्कार साथियों, मैं शिवम निखरा आप सभी का पेपर लेस स्टडी की वीडियोस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए रेखा एवं कोण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका हम बेसिक देखने वाले हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका एक नंबर पक्का जरूर से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेखा होती क्या है। तो रेखा की मैं छोटी सी डेफिनेशन दे दूं कि किसी तल पर मान लेते हैं, जो हमारी जो एक स्लाइड है ये एक तल है और इस पर खींची गई निश्चित लंबाई, ये इतनी मैंने लंबाई खींच दी है तो निश्चित लंबाई वाले हिस्से को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब बात करते हैं कि रेखा के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप की होती है रेखा। तो रेखा होती है दो टाइप की, पहली होती है सरल रेखा और दूसरी होती है वक्र रेखा। कौन सी? वक्र रेखा। सरल रेखा वैसी रेखा होती है जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए मतलब दूरी तय करती है, मतलब अगर सीधी रेखा की बात की जाए तो बिल्कुल ऐसी जाएगी सीधी, तो ये तो हुई सीधी या सरल रेखा। और अगर वक्र रेखा की बात की जाए तो इसमें क्या रहता है कि पथ में विचलन करते हुए जाती है, विचलन का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाती है, तो इसको कहते हैं हम वक्र रेखा। अब आगे हम बात करते हैं रेखाखंड की, कि रेखाखंड होता क्या है। तो रेखाखंड किसी रेखा पर अभी हमने रेखा की डेफिनेशन पढ़ी, किसी रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच निश्चित लंबाई को, यहाँ पे हमने एक लंबाई को निश्चित कर दिया है तो निश्चित लंबाई वाले भाग को क्या कहते हैं, रेखाखंड। इसकी हमने मान के चलिए यहाँ पे 3312.4 mm लिख दिया है, मतलब इसकी हमने यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो निश्चित कर दी है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम रेखाखंड। तो रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की निश्चित लंबाई को कहते हैं रेखाखंड। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है इसमें कि अगर रेखा में दोनों तरफ तीर लगा होगा इस प्रकार से और इस प्रकार से, दो तीर लगे हुए हैं ऐसा, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो रेखा है उसकी लंबाई सतत बढ़ती रहेगी। कहां तक बढ़ती रहेगी? अनंत तक बढ़ती रहेगी। इसके बाद बात करते हैं तिर्यक रेखा की, कि तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है। तो वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। देखो दो रेखाएं ऐसी, हमारी दो एक समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं जो जा रही हैं, इनको एक रेखा ने इस प्रकार से काट दिया, तो इस जो तीसरी रेखा जो टेढ़ी वाली जो रेखा दिख रही है ये वाली, तो इस रेखा को हम कहेंगे तिर्यक रेखा। मान के चलते हैं ए भी एक रेखा है, यहां पर ए भी एक रेखा है, एक सी डी एक रेखा है, तो सी डी एक रेखा और इसको मान लेते हैं ई एफ, क्या मान लेते हैं ई एफ, तो इसको जो दो रेखाओं को जिसने तीसरी रेखा ने ई एफ ने काटा, तो ई एफ जो रेखा है वो कौन सी है, तिर्यक रेखा, यानी कि इसने काटा है तो ये है तिर्यक रेखा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संगामी रेखाओं की, संगामी रेखाएं कौन सी होती है। तो तीन अथवा तीन से अधिक रेखाएं संगामी कहलाती हैं यदि वह एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। एक बिंदु से होकर अगर तीन रेखाएं या तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे इस बिंदु से ए बिंदु एक है, यहां से एक रेखा तो मान लिया हमने ये वाली रेखा है एन, ये दूसरी रेखा है एम और तीसरी रेखा है एल, और तीनों रेखाएं एक बिंदु से गुजर रही हैं तो इसको कहते हैं हम संगामी रेखा। आगे बात करते हैं समांतर रेखाओं की, जैसे कि अभी हमने देखा कि दो समांतर रेखाओं को एक रेखा ने काटा तो उसको इस वाली रेखा को क्या कहा हमने, तिर्यक रेखा। अब बात करते हैं समांतर रेखा की, तो समांतर रेखाएं कौन सी होती है यदि दो और दो से अधिक, कौन सी, ये तो दो है, अगर दो से अधिक भी हो इस प्रकार से तो दो या दो से अधिक रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, उन रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेद बिंदु की। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, कहां पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, तो उनको तो कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिन बिंदुओं पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको कहते हैं हम प्रतिच्छेद बिंदु। आगे समझ में। आगे बात करते हैं हम कोण की। अच्छा, कोण की बात करने से पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि किरण क्या होती है, किरण की बात कर ले, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। ऐसी रेखा जिसका एक आरंभ बिंदु होता है उसको किरण कहते हैं। अब ये जो बिंदु यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये इसका आरंभ बिंदु है, कौन सा बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। आगे बात करते हैं कोण की, कोण क्या होता है। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाओं के झुकाव को, ये जो दो रेखाएं हैं उनके झुकाव को कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण कहते हैं।
कोण बनाने वाली दोनों किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। ये दो भुजाएं हैं कोण की, तो इनको क्या कहेंगे, भुजाएं। और इस चीज को क्या कहते हैं हम, जो दोनों के बीच का झुकाव रहता है, इस चीज को कहते हैं हम कोण। क्या कहते हैं, कोण या एंगल। अब हम छोटी सी एक बात और कर लेते हैं कि कोण की कुछ इकाई होती है, क्या होती है, इकाई। इसको कहते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ एंगल। तो कोण को हम कायम में मापते हैं, कोण को हम किस चीज में मापते हैं, तो कोण को हम अंश में मापते हैं, अंश में। और कोण को मापने की और भी इकाई होती है, जैसे कि कौन सी होती है, एक तो होती है मिनट और एक होती है सेकंड। तो एक अंश बराबर कितना होता है, तो एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। कितना होता है, 60 मिनट, या एक डिग्री बराबर में, या एक मिनट की बात की जाए, एक मिनट कितने बराबर होता है, तो एक मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम समकोण की। अभी हमने कोण की परिभाषा पढ़ी कि किरण क्या होती है और कोण क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कोण के कुछ प्रकार। तो कोण का एक प्रकार है, सबसे पहला प्रकार है समकोण। तो 90 डिग्री वाले माप वाले कोण को समकोण कहा जाता है, जो दो सीधी रेखाएं इस प्रकार से होती है, एक ऐसी और एक इस प्रकार से, तो जो बीच में जो कोण बनता है दोनों के झुकाव को, तो इस चीज को हम कहते हैं कोण। और अगर ये 90 डिग्री झुकाव बनता है तो इसको बोलते हैं हम समकोण। कौन सा कोण, समकोण, इसको बोलते हैं राइट एंगल। नेक्स्ट चलते हैं न्यून कोण पर। तो न्यून कोण में क्या होता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप के बीच के कोण को, 0 डिग्री हो या 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम, न्यून कोण कहते हैं। यहां पर जैसे जो 42 डिग्री दिया हुआ है, 42 डिग्री लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। और 42 डिग्री जो यहाँ पे है, तो इसको जो है 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो इसके बीच के कोण को कहेंगे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं अधिक कोण की। तो अधिक कोण कौन सा होता है, तो अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से तो अधिक हो, 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, तो उस कोण को हम कहते हैं अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें आप देख सकते हैं इस वाले चित्र में कि 90 डिग्री अगर बनता तो किस प्रकार से बनता, इस प्रकार से, और 90 से कम बनता तो ये इस साइड को झुक जाता, और 90 से अगर अधिक बन रहा है तो वो इस साइड को झुकेगा। 90 से अगर अधिक बनेगा तो इस साइड झुकेगा, और 90 से कम बनेगा तो इस साइड झुकता। तो आप देख सकते हैं कि अगर 90 बनता तो कुछ इस प्रकार से होता, ठीक है ना, ये हो जाता 90 डिग्री, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम, समकोण। लेकिन ये क्या है कि 90 से अधिक हो रहा है तो इसको बोलेंगे अधिक कोण, ये 125 डिग्री का बन रहा है तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम ऋजु कोण की। कौन से कोण की, ऋजु कोण की। 180 डिग्री की माप वाले कोण को क्या कहते हैं हम, ऋजु कोण। यहाँ पर जो ऐसे इस प्रकार से बन रहा है, इस कोण को हम बोलेंगे 180 डिग्री इसकी माप है, और इसको बोलते हैं हम 180 डिग्री वाले माप को ऋजु कोण, या इसको दूसरा नाम इसका है सरल कोण, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या फिर ऋजु कोण, इसकी माप कितनी होती है, 180 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं बृहत कोण की। तो बृहत कोण क्या होता है, तो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के माप के कोण को हम बृहत कोण कहते हैं, ठीक है। बृहत कोण का दूसरा नाम है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण, और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में दूसरा नाम है प्रतिवर्ती कोण। और 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण को हम कहते हैं बृहत कोण। 90 डिग्री से 180 डिग्री वालों को कहते हैं हम अधिक कोण, और 90 डिग्री से कम वालों को क्या बोलते हैं हम, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम वालों को बोलते हैं हम न्यून कोण, और 90 डिग्री वालों को हम बोलते हैं कौन सा, समकोण। आगे बढ़ते हैं 0 डिग्री कोण के बारे में बात करते हैं। तो मान के चलते हैं एक ये बिंदु दिया हुआ है और दूसरा ये बिंदु दिया हुआ है, ये एक सरल रेखा है। अब जो एक सरल रेखा है वो स्वयं से जो कोण बनाती है वो 0 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाती है, सरल रेखा स्वयं से 0 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसको कहते हैं हम 0 डिग्री रेखा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात करते हैं 360 डिग्री रेखा। तो 360 डिग्री रेखा वो होती है जब कोई कोण एक निश्चित बिंदु से घूर्णन करते हुए रेखा अपने प्रारंभिक स्थान पर आ जाती है तो निश्चित बिंदु पर बना कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। जैसे ये एक रेखा है और यहां से हमने रेखा को घुमाया, या मान के चलते हैं जो चाप होती है उसको हम लगाते हैं प्रकार से, तो लगा के हम जैसे घूम के फिर से उसी स्थान पर आ जाते हैं, तो जो रेखा जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का,
360 डिग्री का कोण। अब इसमें मान के चलते हैं ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, तो इसमें जो कोण बी ए बी होगा, मतलब जो घूम के आके बनेगा, तो कोण बी ए बी क्या होगा, कोण बी ए बी बनेगा 360 डिग्री का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट paperlessstudy.com से विजिट करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी टीचर परीक्षा जो वर्ग तीन की परीक्षा है, वर्ग तीन की परीक्षा के लिए यहाँ पर टोटल आपको 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या अगर कोई समस्या आती है, कोई भी क्वायरी है आपकी, तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं। हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य कोण के बारे में। तो अगला कोण हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि दो परस्पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही है यहाँ पर, तो जो कोण एक और कोण दो जो है वो शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण तीन और कोण चार जो है वो भी शीर्षाभिमुख कोण है। यदि रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? कोण दो। और कोण तीन बराबर क्या हो जाएगा? कोण चार। अगर रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर बन जाते हैं। आगे बात करते हैं कोटिपूरक कोण की। यदि दो कोणों की माप, कोटिपूरक कोण का मतलब क्या होता है? यदि दो कोणों की माप का योग, दो कोण होते हैं, दो कोण की माप का योग समकोण हो। कौन सा कोण हो? समकोण हो। समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर कोई कोण मान के चलते हैं, कोई कोण अगर 45 डिग्री का है और दूसरा कोण 55 डिग्री का है, तो वो एक दूसरे के कोटिपूरक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का योग जो होता है वो होता है 90 डिग्री। ऐसे ही अगर दूसरा उदाहरण लिया जाए कि एक कोण 40 डिग्री का है, दूसरा कोण 50 डिग्री का है, और दोनों का योग करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री, यानी कि दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हो जाते हैं। कोटिपूरक का मतलब एक दूसरे को पूरा करते हैं, 40 और 50 मिलकर एक दूसरे को पूरा करके 90 डिग्री का कोण यानी कि समकोण बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समपूरक कोण की। कौन से कोण की? समपूरक कोण की। जैसे कि अभी हमने कोटिपूरक देखा, इसी प्रकार से समपूरक कोण है। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है? तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। इसको हम उदाहरण समझते हैं कि 103 डिग्री का एक कोण है, दूसरा कोण 77 डिग्री का है। 103 डिग्री के कोण और 77 डिग्री के कोण को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समपूरक कोण है। तो मतलब अगर 180 डिग्री का बनेगा तो बनेगा कौन सा? समपूरक। और 90 डिग्री के योग से बनेगा तो वो कौन सा बनेगा? कोटिपूरक। संपूरक को अंग्रेजी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के साथ त्रियक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लिया तो पूरा आपके रेखा और कोण खत्म हो गए। तो इनमें क्या रहता है कि दो समांतर रेखाएं, अभी हमने बताया था आपको, समांतर रेखा भी बता चुके हैं हम आपको, त्रियक रेखा की परिभाषा भी बता चुके हैं कि दो समांतर रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, और दो समांतर रेखाएं हमेशा अनंत पर जाकर मिलती है। एक चीज याद रखना, ये एक छोटा सा फैक्ट है कि दो रेखाएं, दो समांतर रेखाएं हैं वो अनंत पर जाकर मिलती है, ऐसा मानना होता है। और ये होती है एक त्रियक रेखा, ये जो हमने एक रेखा डाल दी है यहाँ पर, ये होती है त्रियक रेखा। यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ए बी और डी सी दे रखी है, और पी क्यू इनमें एक त्रियक छेदी रेखा है या त्रियक रेखा है। जब कोई समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो कौन कौन से कोण बनते हैं? तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम, तीन तरह प्रकार से कोण बन सकते हैं। एक तो बनता है संगत कोण, ठीक है, दूसरा बनता है एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। पहला बनता है संगत कोण, दूसरा बनता है एकांतर अंतः कोण, और तीसरा बनता है क्रमागत अंतः कोण। और इन तीनों कोण को हम पढ़ लेंगे तो हमारा रेखा और कोण का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगत कोण की, यानी कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स की। जब कोई त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जब कोई त्रियक रेखा यानी कि पी क्यू जो रेखा यहां पर दी हुई है वो समांतर रेखा यानी कि ए बी और डी सी को काटती है, तो प्रत्येक संगत कोण युग्म कोण के बराबर होते हैं। प्रत्येक संगत कोण के किसके बराबर होते हैं? युग्म कोण के। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो ये जो कोण
एक दिख रहा है यहाँ पे, ये कोण एक और कोण पांच बराबर होगा, ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे, कोण चार, ये वाला कोण चार और कोण आठ, ये भी बराबर होंगे, ये भी संगत कोण होंगे। इसके बाद कोण दो और कोण छह, ये भी बराबर होंगे, इनको भी हम संगत कोण बोलेंगे। और इसके बाद कोण तीन और कोण सात, ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इनको भी हम संगत कोण बोलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एकांतर कोण की। जैसे कि हमने देखा कि दो तीन प्रकार के कोण होते हैं, तो दूसरा नंबर का जो कोण है वो है एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा पीक्यू दो समांतर रेखाओं एबी और डीसी को काटती है, तो उनके एकांतर अंतः कोण के युग्म के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से कोण है, तो जो कोण तीन है और कोण पांच है, तो ये कोण भी एक दूसरे में आपस में बराबर होते हैं, कोण तीन और कोण पांच बराबर होते हैं, और कोण चार और कोण छह ये भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहां पर पहले हमने देखा संगत कोण को, अब देखा हमने एकांतर कोण को, इसके बाद हम देखने वाले हैं क्रमागत अंतः कोण को। तो क्रमागत अंतः कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और जब इसमें क्या होता है कि जब कोई तिर्यक रेखा यानी कि पी क्यू रेखा दो समांतर रेखाओं एबी और डीसी को, एबी और डीसी को काटती है, तब प्रत्येक क्रमागत अंतः कोण युग्म का योगफल, जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो कोण चार रहेगा और कोण पांच रहेगा, इन दोनों का योग किया जाएगा, तो कोण चार प्लस कोण पांच का योग हुआ कितना, 180 डिग्री। और कोण तीन और कोण छह इन दोनों का भी अगर योग करेंगे तो भी कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री। ये तो हमने बात की कोणों की और रेखाओं की। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इनके आगे, या फिर हम त्रिभुज और त्रिभुज की सभी परिभाषाओं बेसिक डेफिनेशंस को और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। त्रिभुज में क्या रहेगा, आपको त्रिभुज में हर एक चीज से, हर एक चीज कॉन्सेप्ट से क्लियर करवा दिया जाएगा। जैसे कि सर्वांग समता के नियम होते हैं, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और त्रिभुज की कितनी सारी प्रमेय वगैरह है, उनको भी मैं आपको अगली वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा, उनको भी बता दूंगा। तो ये चीजें भी आपकी शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। बाकी आप हमारी पेपरलेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर शिक्षक वर्ग तीन परीक्षा के लिए और भी ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट पर विजिट करके आप टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 65 टेस्ट मिलने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।